नमस्कार दोस्तों, जी हाँ आपने बिल्कुल सही देखा है थंबनेल में। आज आप जानेंगे सोफ्रोमाइसिन का रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, सोफ्रोमाइसिन आपके सामने रख लीजिए। स्क्रीन का जो आपको रिव्यू देने वाला हूँ मैं, कैसे यूजेज हैं, कब यूज आती है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स दिखते हैं और इसके बारे में सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो बने रहे, स्किप ना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं सोफ्रोमाइसिन ट्यूब है, इसको जो मार्केटिंग करती है वो कंपनी है सैनोफी। जी हाँ दोस्तों, सैनोफी वो कंपनी है जो सोफ्रोमाइसिन ट्यूब को मार्केट करती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसमें क्या साल्ट है। इसमें एक ही साल्ट है बस, वो है फ्रेमासाइटिन। जी हाँ दोस्तों, ये एक साल्ट है और ये बहुत कारगर साल्ट है, इसलिए सोफ्रोमाइसिन का बहुत अच्छा नाम है। अब फ्रेंड्स, बाकी बात कर देख लेते हैं हम। ये एक प्लास्टिक ट्यूब में आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक ट्यूब है जिसमें लीकेज की इतनी टेंशन नहीं है। बाकी फ्रेंड्स, ये आप इसको इजीली ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये इजीली आप इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर इसमें निकलता है एक वाइट कलर का क्रीम जो कि ये सोफ्रोमाइसिन क्रीम। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ये कहाँ इस्तेमाल आती है। जी दोस्तों, आप माइनर बर्न्स, माइनर कट्स, कोई चोट लग जाती है आपके, जैसे कि आपने देखा ही होगा चोट पे, जैसे जनरल घर पे चोट लग जाती है तो बच्चों के जो क्रीम लगाते हैं वो मोस्टली सोफ्रोमाइसिन होती है जिससे वो हीलअप करने में काम आता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी ट्यूब है चोट को हील करने के लिए, बहुत जल्दी वाउंड को हील कर देती है और बहुत अच्छा इफेक्ट इसका देखा जाता है, इसलिए इसका काफ़ी नाम है। और इसका साइड इफेक्ट्स जनरली ऐसे कुछ खास है नहीं है, बाकी अगर आप इसको जरूर से ज़्यादा लगा लेते हैं तो हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है, तो जरूर से ज़्यादा लगाने पर रेडनेस, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, ऐसा कुछ आप पे साइड इफेक्ट दिखेगा। तो फ्रेंड्स, सब कुछ अपन जान लिया है, बाकी आपसे यही कहूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे वीडियोज देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।